यूपी के श्रावस्ती में मवेशी के चलते बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने पहुंचाया इकोना अस्पताल। डॉक्टरों ने शुरू किया उपचार, हालत गंभीर बताते हुए संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा के लिए किया रिफर। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के भामेपारा के पास से सामने आई है, जहां पर पड़ोसी जनपद बलरामपुर जनपद के देहात कोतवाली इलाके के बसौपुर सोनपुर निवासी 27 वर्षीय सागर पुत्र बिजलाल अपनी भाभी को छोड़ने उसके मायके इटवरिया के लोनियनपुरवा आया हुआ था। लोनियनपुरवा इटवरिया में अपनी भाभी मंजू को छोड़कर वो वापस अपने घर जा रहा था। जैसे ही वो भामेपारा के पास पहुंचा, बीती रात भामेपारा के पास सड़क पर घूम रहे मवेशियों से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 27 वर्षीय सागर पुत्र बिजलाल निवासी बसौपुर देहात कोतवाली बलरामपुर गंभीर रूप से घायल हुआ। जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस कर्मियों को दी तो मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने उसे लाकर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक का उपचार शुरू किया। प्राथमिक उपचार के बाद भी युवक की हालत में सुधार न होता देखकर डॉक्टरों ने उन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा के लिए रिफर किया। काफ़ी देर बाद मौके पर परिजन पहुंचे। वहीं जब इस घटना की जानकारी उसके भाई के ससुराल वालों को हुई तो उसकी भाभी व उनके परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंच गए और जिनकी मौजूदगी में यहां पर दवा उपचार किया गया। हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा के लिए रिफर किया। वहीं जब इस घटना की जानकारी इकोना पुलिस को हुई तो पहले इकोना पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची, वहां पर घायलों को न पाकर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। श्रावस्ती जनपद के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर इकोना पुलिस पहुंची, घायल का उपचार किया गया। इकोना भिनगा मार्ग के भामेपारा के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर सड़क पर घूम रहे मवेशी से टकराने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद उसे इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।